ये बताओ तुम मुझे क्यों भूल जाती हो हैं? क्यों तुम मुझे भूल जाती हो? हर बात में है, मेरा कोई जिक्र ही नहीं होता है, मैं कोई भूलने वाली चीज हूँ? क्यों नहीं याद रखती? क्यों, आप कोई पांच का पहाड़ा है जिसे मैं भूल नहीं सकती? लो भाई, तकरीबन ये भी हो चुकी है। तुम मेरा एहसान भी भूल गई? कितने एहसानात किए तुम पे? कौन सा एहसान? पिछले रमजान पे तुम्हारे बाप को मैंने इफ्तारी लूट के खिलाई है, भूल गई? झूठ। परसों में तुम्हें ले गया, मैंने हीरे की अंगूठी दूर से दिखाई, देखो ये अंगूठी है। और झूठ, ये भी झूठ। तीन दिन पहले की बात है, एक मुर्गी अंडे दे रही थी, मेरे को तो वो मुर्गी ऐसे अंडे देती। मैं हूं आपकी मेजबान आयशा शेख। हरी मिर्चे के एक और नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलमान गिलानी साहब, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जो शक्ल से तो बहुत संजीदा लगते हैं मगर हैं नहीं। जब ये अपने मखसूस अंदाज में शेर कहते हैं तो आप सबके चेहरों पर हंसी के फुवारे उभर पड़ते हैं। जनाब जाहिद फखरी साहब, माय गॉड, जिनसे हमेशा मेरा झगड़ा रहता है उन्हें आज भी मैं भूल गई। शकील, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, आप लोग खैरियत से हैं? और दुआ करें हम भी खैरियत से रहें और पूरा पाकिस्तान खैरियत में रहे, इसमें ही हम सब की खैरियत है। ये बताओ तुम मुझे क्यों भूल जाती हो हैं? क्यों तुम मुझे भूल जाती हो? हर बात में है, मेरा कोई जिक्र ही नहीं होता है, मैं कोई भूलने वाली चीज़ हूँ? क्यों नहीं याद रखती? क्यों, आप कोई पांच का पहाड़ा है जिसे मैं भूल नहीं सकती? लो भाई, तकरीबन ये भी हो चुकी है। तुम मेरा एहसान भी भूल गई? कितने एहसानात किए तुम पे? कौन सा एहसान? पिछले रमजान पे तुम्हारे बाप को मैंने इफ्तारी लूट के खिलाई है, भूल गई? झूठ। परसों में तुम्हें ले गया, मैंने हीरे की अंगूठी दूर से दिखाई, देखो ये अंगूठी है। और झूठ, ये भी झूठ। तीन दिन पहले की बात है, एक मुर्गी अंडे दे रही थी, मेरे को तो वो मुर्गी ऐसे अंडे देती। झूठ। सारे एहसान भूल गई? तुम्हारे बाप को मैंने बचाया वो ही भूल गई? कब बचाया, किससे? अभी दो दिन पहले की बात है, इनके वालिद साहब हैं सिग्नल तोड़ के जा रहे थे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, 150 मांगा, 150 मांगा, 450 कॉल मिला दिया जानने वालों को, 150 नहीं दे रहे हैं। कितने अकलमंद हैं, कहीं से रिस्पांस नहीं मिला तो 100 रुपये निकाल के दे रहे हैं पुलिस वालों को, ये लो। वो कह रहा हम रिश्वत लेते हैं। अरे नहीं जी, इनाम है। वो कह रहा हमने कोई छक्का मारा जो इनाम दे रहे हो? फिर मैंने देखा मेरा ध्यान हो गया, मैंने कहा चलो 200 और मिलाया, उसमें 300 किया, तो फिर पुलिस वालों को लगा कि हाँ अब ये इनाम लग रहा है हमें, और उन्होंने इनाम समझ के रख लिया। वहाँ बचाया तुम्हें, आपको शर्म ना ये रिश्वत देते हुए? अच्छा, उनको ना देता, थाने में जाके और देता। आपको पता है हमारे सरकार क्या है? यही करप्शन। करप्शन कर लेंगे बात इस पे भी, जब मैं तुम्हारे अब्बा की बात कर सकता हूँ तो करप्शन के आगे क्या है? बस कर दे, मेरे अब्बा की जान छोड़ दिया। तीनों हजार, आज हमारे शो का मौजू है करप्शन और जमहूरियत। ये करप्शन से हरी मिर्च लगती है, हरी मिर्च यहाँ से लगती है। ऐसे तो नहीं है, हमारे शो का नाम है हरी मिर्चें। करप्शन का मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में ही करप्शन इस वक्त, पूरी दुनिया तमाम मुल्कों में है, लेकिन कुछ इदारों में, कुछ जगहों पे, मतलब कहीं 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 तो आटे में नमक के बराबर, और पाकिस्तान में आटे के बराबर। मैं ये बता दूँ उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ तो हर काम जो है ना, हर बंदा ये सोचता है कि पैसे दो और काम करा लो, इसीलिए पैसे दो बच्चे पास करा लो, पैसे दो जाली डिग्री बनवा लो, बच्चे पैसे दो अपना बंदा छुड़वा लो, पैसे दो नाजायज ज़मीन पे कब्जा कर लो। सबका जिम्मेदार हम, तुम, ये और वो, हम सब हैं इसके जिम्मेदार। हमने खुद रिश्वत देने की आदत डाली है लोगों में, ये पैदा किया कि रिश्वत दो और छूट जाओ। किसी ने एक शायर का बहुत अच्छी लाइन है ना, रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ और रिश्वत दे के छूट जाओ। ये है हमारा मन, लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। हाँ। दिलावर फिगार मरहूम का शेर। बहुत अच्छी बात की थी उन्होंने, बहुत अच्छी बात की थी, उनको पता था ये होने वाला शायद। क्या कहेंगे आप फखरी भाई?
थोड़ी सी पुरानी शायरी है लेकिन आज भी तरोताजा है इरशाद कि रोज करप्शन बढ़ती जाए लेकिन हमसे कुछ नहीं होता, लेकिन हमसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो पंजाबी वाला कुछ आ गया ना, कुछ। रोज करप्शन बढ़ती जाए लेकिन हमसे कुछ नहीं होता, वाह, खेंचा तानी जो करते हैं उन हाथों से पुश नहीं होता, इतना आगे पीछे फिर के जैसे राजी बुश नहीं होता। ये बुश के दौर, बेशक शॉपिंग रोज कराएं बेगम का दिल खुश नहीं, नहीं होता। सही, सही। आप मुझ पर इल्जाम लगाते थे कि जी आप बेगमाद का जिक्र करते हैं, देख ले मेरा असर। कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। मशीनें जो नहीं करती वो एक इंसान कर देगा, मशीनें जो नहीं करती वो एक इंसान, वो एक इंसान कर देगा, जो कोई कर नहीं सकता सियासत दान कर देगा। बहुत अच्छा। खिला देगा हवस के फूल वो लालच के पेड़ों पर, मदद उसकी तो ऐसे काम में शैतान कर देगा। होए होए होए। खिला देगा हवस के फूल वो लालच के पेड़ों पर, मदद उसकी तो ऐसे काम में शैतान कर देगा, लगा देगा कनेक्शन गैस का पानी की टूंटी पर, मोहब्बत में वो मेरा और भी नुकसान कर देगा। वाह वाह। लगा देगा कनेक्शन गैस का पानी की टूंटी पर, मोहब्बत में, मोहब्बत में वो मेरा और भी नुकसान कर देगा, कभी वो खैर के कामों में शामिल तक नहीं होगा, उसे ये इल्म है ये काम तो इमरान कर देगा। कभी वो खैर के कामों में शामिल तक नहीं होगा, उसे ये इल्म है ये काम तो इमरान कर देगा, न जाने कौन सा फिर खेल खेलेगा ये दुनिया में, उसे जब टीम से बाहर कोई कप्तान कर देगा, न जाने कौन सा फिर खेल खेलेगा वो दुनिया में, उसे जब टीम से बाहर कोई कप्तान कर देगा, पर अगली बार मुझको वोट देना है उसे फखरी, जो हर पहलू से रोशन सारा पाकिस्तान कर देगा। आपके शायरी में एक जगह शैतान का भी जिक्र था, और यकीन यानी अब तो शैतान हम इंसानों से आइडिया लेते हैं। तो बताओ भाई, हमारी समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें, कैसे उकसाएं, अब तो इंसानों से आइडिया ले रहे शैतान। समझ गए होंगे आप, हेड अंपायर ने हमें बुलाया है, तो चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं आपसे।